आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगी हुई फोटो वीडियो किस तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई स्टेटस है तो किस तरह आप इस एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं और अपने स्टेटस को आप फेमस कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने चैनल जीशान टेक। तो आ जाना है आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्स फेस स्टेटस, इसको प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यहाँ पे इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 4.5 है और नया एप्लीकेशन ये आ चुका है आपको प्ले स्टोर पर। ये देख सकते हैं स्क्रीन शॉट जहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विस मिलने, बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। तो चलिए सिंपली से इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल करना है। मेरा ओपन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे जब फर्स्ट टाइम, तो आपको अलाउ करना है। जब अलाउ कर देंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास सेंटोफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप नीचे में मीनू दिए गए हैं। मीनू में आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए मीनू, ये मीनू में आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी, यानी कि आप इसके खुद का भी स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। तो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, किस तरह का स्टेटस चाहिए, लव, डायलॉग, सैड, फनी, फनी, जो भी स्टेटस चाहिए जिस तरह, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद 2 नंबर में होम, यहाँ पे कुछ इसके स्टेटस दिए गए हैं, यहाँ से आप उनके स्टेटस भी डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। और ये एप्लीकेशन में रोज़ नई नई अपडेट होती रहती है, इसको एप्लीकेशन को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पॉपुलर, जो भी पॉपुलर स्टेटस है वो यहाँ पर शो करें। उसके बाद लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे वॉच हिस्ट्री दे, उसके बाद स्टेटस में जाना है। स्टेटस में जाने के आपके कॉन्टेक्ट नंबर में जितने भी नंबर होंगे सारे के स्टेटस यहाँ पे शो कर जाएंगे। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं इमेज और वीडियो, आपके व्हाट्सएप में जितने भी इमेज वो यहाँ शो करेंगे, वीडियो यहाँ पर शो करेंगे। जो इमेज यहाँ नहीं शो कर रहे हैं वो आपको व्हाट्सएप पर जाना है, उसके स्टेटस को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ शो कर जाएगा। जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड की एरो पे यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो, वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ऊपर में देख सकते हैं वो निशान, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यही था कुछ एप्लीकेशन का।